इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं बाहुबली एंड मुत्ती होलसेल्स सारीज एंड क्लोथ मर्चेंट्स चदचन डिस्ट्रिक्ट विजयपुर एवं समस्त बाहुबली एंड मुत्ती परिवार। महावीरा जीरोन पौधों को दे सूक्ष्म तत्वों का पोषण, उनमें डाले नई जान। महावीरा जीरोन। राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्वविख्यात पवन जी शास्त्री, समस्या कैसी भी हो समस्याओं का समाधान एक ही बार में 100% गारंटी से निवारण। फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336 9737202129। ब्रांच हैदराबाद एवं मुंबई। www.rajguruastrologer.com। बोले देवाद्रिव श्री आदिनाथ भगवान की जय। जय जय देवाद्रिव गणेश पंकजनालय के मूलक श्री चंद्र भगवान की जय। जय जय देवाद्रिव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय जय संत शिरोमणि गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय जय प्रमाणिक संत गुणायतन प्रेता संकर्ष मदन भावना प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज्य मणि श्री 108 प्रमाण शरण जी महाराज की जय। जय जय बोले परम पूज्य मणिवर श्री निर्वेक शरण जी महाराज की जय। जय जय बोले परम पूज्य मणिवर श्री शीतल सागर जी महाराज की। तीर्थराज संगीत सरकार की तलटी में स्थित गुणायतन परिषद से सायंकालीन टीवी चैनल का विश्वविख्यात बहुचर्चित संघ का समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें, उसके पूर्व गुणायतन और श्री शिवायतन परिवार सायंकालीन संघ का समाधान के कार्यक्रम में उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति हम और आप परम पूज मणि शंकर श्री चरण नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंकर का समाधान के कार्यक्रम के लिए पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को घर में बैठ के देख सुन रहे हैं उन सभी की ओर से और यहां पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं की ओर से परम पूज मणि शंकर श्री चरण नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। दोनों हाथ जोड़ लेंगे, बोलेंगे हे मणिवार नमोस्तु, हे गुरुवार नमोस्तु, हे मणिवार नमोस्तु। आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें, उसके पूर्व जिन्होंने गुणायतन का अवलोकन करते हुए गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है उनके नामों की घोषणा यहाँ से की जा रही है। अगर उपस्थित है तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और कैमरा में सभी को कवर करेंगे। निर्माण वन में श्रीमान जैन विचला महिला मंडल लेवाई टॉक राजस्थान, इन्होंने 11,000 रुपए की राशि प्रदान की। अगर उपस्थित हैं तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें और सम्मानित पुण्याजक परिवार के लिए जोरदार तालियों का सम्मान करें। इसी क्रम में श्रीमती पुखराज जी धर्मपत्नी स्वर्गीय बाबूलाल जी वकीवाला मालवी नगर जयपुर, इन्होंने भी निर्माण दान में सहयोग प्रदान किया, जोरदार तालियों का सम्मान करें। और चलते हैं निर्माण निधि के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है श्रीमान संजय जी, सीमा जी, आयुष जी, आयशा जी, अपूर्वा, वैभव जैन लखनादौन, अगर उपस्थित हैं तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और कैमरा मैन सभी को कवर करेंगे। मैं चाहूंगा हमारे पुण्यालयों के लिए जोरदार तालियों का सम्मान करें। और चलते हैं गुणायतन में निर्माण निधि श्री निर्माण मित्र के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया श्रीमती इंदिरा जी, धर्म पत्नी श्री महाप्रसाद जी, आशीष जी, डॉक्टर अभिषेक जी ग्वालियर मध्य प्रदेश हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा मंच पे आए परम पूज मणि शंकर वंदना करके आशीर्वाद प्राप्त करें और उनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के प्रशासक महोदय श्रीमान सिद्धार्थ जी काशीलवाल कानपुर और श्रीमान कपूर चंद जी कोटा आएंगे। सम्माननीय हमारी श्रीमती इंदिरा जी धर्मपत्नी महावीर जी ग्वालियर उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। श्रीमान सिद्धार्थ जी और कपूर जी आएंगे गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं और मैं चाहूंगा ऐसे परिवार के लिए आप जोरदार तालियों का सम्मान करें। इसी क्रम में हमारे बीच कटनी दिगंबर जैन समाज से राजू जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा राजू भाई को भी आए
परम पूज मुनिवर केसरी शर्मा में नमन करते हुए वंदना का सौभाग्य प्राप्त करें और समर्पित कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा सिद्धार्थ जी और कपूर जी गुणायतन परिवार की ओर से एक बार पुनः सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें और जोरदार तालियों का सम्मान करें। पंडो आगामी 20 नवंबर से 27 नवंबर तक 108 मंडली सिद्ध चक्र महामंडल विधान प्रारंभ होने वाला है और वो सौभाग्यशाली परिवार हैं जिन्हें मंडल पुण्याजक के रूप में इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त किया है। सामान्य इंद्रनाणी के रूप में इस अनुष्ठान में बैठने का सौभाग्य प्राप्त किया है। उनके जीवन में अगर किसी प्रकार का विकल्प आता है उन विकल्पों में भी इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते तो कल यहाँ पर प्रातः काल की वेला में शांति धारा के ठीक पश्चात 8:40 के पश्चात पारस चैनल जनवाणी चैनल और प्रमाणिक के माध्यम से संकल्प विधि सकलीकरण की विधि संपन्न कराई जाएगी। वैसे सभी मंडल पुण्याजक सामान्य इंद्रियों को व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना भेज दी गई है और सामग्री क्या क्या रखना ये सूचना भी आप तक प्रेषित की गई है। कल प्रातः काल की वेला परिवार के सभी सदस्य उपस्थित होकर जनवाणी चैनल पारस चैनल और प्रमाणिक एक्ट के माध्यम से सकलीकरण संकल्प विधि में उपस्थित होकर इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आइए चलते हैं इन्हीं सभी सूचनाओं के साथ हम और आप प्रारंभ करते हैं टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वख्यात शंका समाधान का कार्यक्रम और प्रथम शंका लेके आ रहे हैं श्रीमान योगेश जी पुणे, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान राजू भाई कटनी। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसा कि हम सब जानते हैं मृत्यु निश्चित है, लेकिन कुछ जीवों की मृत्यु बड़े कष्टों को भोगने के बाद होती है लेकिन कुछ जीव बड़े शांत भाव से मृत्यु को प्राप्त करते हैं, तो हमारे आगम में या हमारी कुछ धार्मिक क्रियाओं में ऐसा कुछ विधान है जिससे हम शांत भाव से अपनी मृत्यु को प्राप्त कर सकें समाधि मरण के अलावा? देखिए ये बात बिल्कुल सही है, मृत्यु निश्चित है और जैसा आपने कहा दोनों तरह के लोगों की मृत्यु होती है। मैं मानता हूँ जिनका प्रबल पुण्य का योग होता है उनकी मृत्यु शांत परिणामों से होती। कई लोग हैं जिनके कर्म का तीव्रोदय होता है वो तड़फ तड़फ करके मरते हैं, ये तीव्र पाप का उदय। आपने सवाल किया है मेरी मृत्यु क्षमता से हो शांत परिणामों से हो उसके लिए क्या करें? बस भावना भाई, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाए भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। बस हर पल ये भावना भाव, मेरी उत्तम मृत्यु हो समाधि मरण हो सम्यक तो मरण हो, ये भावना बार 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 भाने से चीजें बदलती। श्रीमान राजू भाई समर्पित कार्यकर्ता कटनी दिगंबर जैन समाज से, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान महावीर प्रसाद जी ग्वालियर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मैं कटनी से इस समय मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज सत्संग वहां विराजमान है और उनके मुखाबले से आपकी चर्चा होती रहती है। कटनी में दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष संजय जी, प्रेमी भैया और सभी लोगों ने आपको नमोस्तु बोला है महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि जब महाराज जी 608 जीव मुक्ति जाते हैं तो हम जिस भी टोक पे जाते हैं वहाँ लिखा रहता है कि करोड़ों मुनि यहाँ से मुक्त गए हैं, महाराज जी ये क्या राज है कृपया स्पष्ट करें। इसका उत्तर कल ही दिया, कल की क्लिप सुन लेना। जी 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 समझ गए। एक करोड़ों मुनि जो मोक्ष गए एक दिन में नहीं गए, असंख्य वर्षों में गए। भगवान ऋषभ देव से लेकर महावीर पर्यंत लगभग एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष में असंख्य जन्म इसमें हो जाए उतने, इसलिए उसमें आ जाते। आशीर्वाद श्रीमान महत्व सर जी ग्वालियर, उसके बाद तैयार रहेंगे नवनी जी जैन परवणी अपने सभी यात्रियों के साथ। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी कि जैसे ज्योतिष देवों व्यंतर देवों में असंख्या ज्योतिष देवों के भवनों में और व्यंतर देवों के भवनों में असंख्यात अकीर्तन जिन चैत्यालय हैं और अकीर्तन जिन चैत्यालय में ऐसा माना जाता है कि सभी अकीर्तन चैत्यालय में 108 प्रतिमाएं 500 धनुष ज्ञान की होती है, तो क्या तारे वगैरह में जितने रहते हैं तो क्या इतने बड़े विमान होते होंगे उनके? ऐसा मेरा प्रश्न। बहुत बड़े हैं, तारे दिखते छोटे हैं, बहुत बड़े हैं,
आप चंद्रमा से ही अनुमान लगा लो, चंद्रमा पृथ्वी से भी बड़ा बताते हैं, तो ऐसी स्थितियां समझना है। दूसरा प्रश्न मेरा एक और है, उसमें यह है कि जैसे सामान्य रूप से ये कहा जाता है सम्यक दर्शन के लिए, सम्यक दर्शन के लिए सामान्य रूप से ऐसा माना जाता है कि देवसाज गुरु पर श्रद्धान और छह द्रव्य सात तत्वों का श्रद्धान अगर है तो सम्यक दर्शन है, तो इतना ही से पर्याप्त है या और कुछ करना पड़ेगा? प्रारंभिक भूमिका में इतना ही पर्याप्त, इसके बाद फिर स्वात्म भावना तत्व रुचि। श्रीमान नवनीत जी जैन परवणी सभी यात्रियों के साथ, उसके बाद तैयार रहेंगे विधान पंडाज परिवार से श्रीमान राजेश जी रेखा जी ललितपुर। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमस्तु करता हूँ और शुल्लक जी के जीवन चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। गुरुदेव मेरा प्रश्न है कि आप उन जो सौ अभिषेक करते हैं, अभिषेक के जो वस्त्र होते हैं वो जीर्ण होने के बाद या फिर प्रक्षाल के बाद जो वस्त्र भगवान के वो यूज करते हैं वो उसका क्या करना चाहिए? जीर्ण होने के बाद अभिषेक और प्रक्षाल के वस्त्रों का क्या प्रयोग करना? देखिए इस विषय में दो तरह की बात मैं कहता हूँ। जीर्ण वस्त्रों का या तो उसे कहीं विसर्जित कर देना चाहिए, प्रायशः खादी के होते हैं, सूती होते हैं और सूती ही रखना चाहिए। कुछ लोग ऐसे जीर्ण वस्त्रों का प्रयोग रोग शोक की बीमारी के निवारणार्थ भी करते हैं। एक सज्जन ने कहा कि वो मलेरिया हो जाए तो भगवान के अंगोछे को बाह में बांध देते हैं, मलेरिया उतर जाता है। अब ये श्रद्धा का चमत्कार, तो ऐसे श्रद्धा के भाव से यदि कोई उपयोग करे तो मेरी दृष्टि में गलत नहीं। जब हम शरीर पर गंधोदक लगा सकते हैं तो प्रक्षाल का नज़र उतारने कई चीज़ों में, लेकिन मंदिर से कोई भी वस्त्र आदि ले जाओ तो मंदिर कमेटी की सहमति और न्योच्छावर पूर्वक ले जाना, अन्यथा निर्माल्य के भागी बन सकते हैं। पर इतना बहुत यूज होता नहीं है तो उसे विसर्जित कर देना ज़्यादा बेहतर है। हाँ, वो विसर्जित करने का तरीका, हाँ, गेहूँ सुखाते हैं, अनाज सुखाते हैं, धोती दुपट्टा का कोई मतलब नहीं, मैं तो उसकी पक्षाल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, श्रीमान राजेश जी रेखा जी ललितपुर आर के परिवार विधान परिवार, इसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर नीलेश जी चौगले सांगली। महाराज श्री दोनों महाराज श्रीओं को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुलक जी को इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, मैं ललितपुर आर के फोटोकॉपी परिवार विधान पुण्यार्जक को निरंतर आपके आशीर्वाद से गुणायतन में सिद्ध चक्र मंडल विधान का आशीर्वाद मिल रहा है। आज हम लोगों ने कर्मधन विधान का तो संपन्न किया है, क्यों कर्मधन विधान में 256 अर्घ संपूर्ण हुए हैं। हमारे जीवन जैन दर्शन में कर्म सिद्धांत का कितना महत्व है और कर्म हमारे जीवन को कितना प्रभावित करते हैं? देखिए, कर्म सिद्धांत जैन दर्शन में कर्म सिद्धांत का महत्व पूछा है और पूछा है वो कितना प्रभावित करते हैं। सबसे पहले जैन दर्शन के अनुसार कर्म सिद्धांत है क्या, इसे समझे। कर्म शब्द के अनेक अर्थ है। लोक में कर्म का मतलब एक प्रकार का पुरुषार्थ और क्रिया के रूप में भी माना जाता है। व्याकरण शास्त्र के अनुसार जो किया जाए वो कर्म है, यत क्रियते तत् कर्म। अगर हम धार्मिक कर्म कांडों के अनुसार कहें तो व्यक्ति के द्वारा किए गए धार्मिक क्रियानुष्ठान को भी कर्म कहते हैं। कई लोग अपने नित्य की क्रियाओं को भी नित्य कर्म के अंतर्गत जोड़ते हैं, लेकिन जैन दर्शन के अनुसार कर्म का अर्थ इन सब से पृथक है। कर्म का अर्थ किसी क्रिया विशेष से नहीं होकर कर्म एक स्वतंत्र सत्ताभूत पदार्थ है जो हमारी आत्मा को परतंत्र करता है, जो हमारी आत्मा के गुणों को बाधित करता है,
जिसके कारण हमारी आत्मा का विकास अवरुद्ध होता है वह कर्म है। ये कर्म कहाँ से आता है और हमारी आत्मा से कैसे जुड़ता है और आत्मा को किस भांति प्रभावित करता है, संक्षेप में हमें ये भी समझना चाहिए। प्रत्येक संसारी प्राणी के पास तीन मौलिक शक्तियाँ हैं। हम मनुष्यों को प्रमुखता लेकर कह रहे हैं, मन, वाणी और शरीर। इन तीनों शक्तियों के कारण हमारे आत्मा में एक विशेष प्रकार का वाइब्रेशन होता रहता है। हम मन से विचार करते हैं, वाणी से बोलते हैं, शरीर से क्रिया करते हैं। इसके निमित्त से हमारी आत्मा में जो वाइब्रेशन होता है, उस वाइब्रेशन के परिणाम स्वरूप हमारे इर्द गिर्द रहने वाले कर्म के परमाणु, वो परमाणु जो हमारी आत्मा से जुड़कर अच्छा बुरा फल देने में समर्थ होते हैं, वो हमारी आत्मा की ओर आकर्षित होकर आत्मा से चिपक जाते हैं, जुड़ जाते हैं और कालांतर में पककर वे ही अच्छे बुरे फल को प्रदान करते हैं, हमारा अच्छा बुरा जीवन निर्धारित करते हैं। दूसरे शब्दों में कहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि हमारी जैसी प्रवृत्ति होती है वैसे कर्म के संस्कार हमारी आत्मा में जुड़ते हैं और वही संस्कार फलीभूत होकर अच्छे बुरे कर्म के रूप में हमें अच्छा बुरा फल प्रदान करते हैं। जैसे अभी मैं जो बोल रहा हूँ, सामने लगे कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, जो बोल रहा हूँ वही रिकॉर्ड हो रहा है, जैसा बोल रहा हूँ वैसा ही रिकॉर्ड हो रहा है और जो रिकॉर्ड होगा वही प्ले होगा, यहाँ तो साथ साथ प्ले हो रहा है, तो कैसे होगा? जैसी हमारी प्रवृत्ति वैसे संस्कार। अब इसमें तो एक सुविधा है कि अच्छी बात को हम बार बार रिपीट कर लें और बुरी बात को फॉरवर्ड कर दें और कुछ डाटा को डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन भीतर के कैमरे व्यवस्था ऐसी कुछ भी नहीं है, न यहाँ आप रिवर्स कर सकते हैं, न फॉरवर्ड कर सकते हैं, न डिलीट कर सकते हैं। वहाँ तो जो रिकॉर्ड हो गया वही सामने आएगा, समझ गए? ऐसा सिस्टम होता तो कितना अच्छा होता, अच्छे दिन को बार बार रिपीट करते और बुरे दिन आते तो फॉरवर्ड कर देते और ज़्यादा होता तो डिलीट ही मार देते एक कमांड में। ऐसा संभव नहीं है, ये निरंतर चलता है। अब लोग कई बार जब जीवन में बुरे दिन आते हैं तो रोना रोते हैं, भगवान ये कैसे हो गया, तो भगवान क्या करेंगे, देखो तुमने किया क्या था, जो कुछ तुमने किया है उसका ही फल मिलता है। तो मनुष्य की प्रवृत्ति के अनुरूप कर्म बनते हैं, बंधे हुए कर्म का अपना समय पर फल देते हैं, ये एक सामान्य नियम है। लेकिन यदि मनुष्य की चेतना जागृत हो जाए, उसके हृदय में सही ज्ञान प्रकट हो जाए, तो वह अपने बंधे हुए कर्म की जड़ भी उखाड़कर फेंक सकता है और यही हमारा पुरुषार्थ है। जब हम कर्म को नष्ट करते हैं तभी अपनी आत्मा को परमात्मा बना पाते हैं, कर्म दहन का यही सार है। महाराज श्री हमारे आर के परिवार को आप मार्गदर्शन दीजिए, हम लोग विधान निरंतर करते आ रहे हर साल, बस आगे कैसे क्या करें? बस ऐसी भावना भाव भगवान से विधान का यही फल मानो कि भगवान आखिरी सांस तक आपका विधान करते रहे। डॉक्टर नीले जी चौगले सांगली, इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान पति जी, निष्ठा जी पाटोदी डिब्रुगढ़ आश्रम, श्रीमती सुशीला जी पाटनी, आर के मालवल परिवार। हेलो, महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी नमोस्तु। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हम शिखर जी वंदना करते हुए, पहाड़ के वंदना करते हुए कभी कभी डोली का सहारा लेना पड़ता है, तो उसमें कुछ दोष होता है या नहीं? देखिए, डोली का सहारा लेने में दोष नहीं है, लेकिन शरीर में दोष है इसलिए आपको डोली लेना पड़ रहा है।
शरीर सबल होता तो डोली की नौबत क्यों होती। इसलिए जो समर्थ है उनसे मैं कहूँगा, जब तक हाथ पांव चल रहे हैं खूब वंदना कर लो, ताकि डोली का कोई प्रसंग ही ना आए। पर यदि मजबूरी में कोई को डोली में बैठना होता है तो इसमें कोई दोष नहीं, पर डोली में बैठकर जाओ और डोली वाले को ठीक पैसा न दो तो जरूर दोष है, और उनको परेशान करो तो भी दोष है। उनका आभार मानना चाहिए कि उनके निमित्त से आप सबकी ये वंदना हो रही। श्रीमान प्रतीक जी मिस्टरी पाटिली डिब्रुगढ़ आश्रम, उसके बाद तैयारेंगे मैं सीमा दीदी मीना दी ललितपुर सभी व्रती बहनों के साथ। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, हम अभी नव जीवन में अभी अभी प्रवेश किए हैं और हमारी ये शंका है आज कि हम अब धर्म के साथ आगे कैसे जिंदगी में आगे बढ़े। देखिए, तुमने कहा है कि हम नव जीवन में प्रवेश किए, मतलब तुम्हारा अभी गठबंधन हुआ है। गठबंधन को क्या बोलते हैं, थोड़ा माइक पे बोलो, क्या बोलते हैं, क्या हुआ है? शादी। शादी इसमें है बर्बादी। शादी नहीं, क्या हुआ है, क्या हुआ है? बोलो तो। विवाह। विवाह भी नहीं हुआ, धर्म विवाह हुआ है। क्या हुआ है? धर्म विवाह। हमारे यहाँ विवाह को क्या बोलते हैं? धर्म विवाह। और तुम्हारे बाजू में जो खड़ी है वो कौन है तुम्हारी? धर्म पत्नी। समझ में आ रही बात? मैं तुम्हारे माध्यम से उन सभी दंपतियों को एक संदेश देना चाहता हूं, विवाह कोई रस्म नहीं, एक प्रकार के सामाजिक धार्मिक संस्कारों और सरोकारों से बंधने का संकल्प है, एक प्रकार की गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की दीक्षा है। समझ गए? तो विवाह को धर्म विवाह और विवाहिता स्त्री को धर्म पत्नी, इसका मतलब है कि अब तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ गई है अपना धर्म निभाने की। समझ गए? बिल्कुल, बिल्कुल। एक गृहस्थ को धर्म अर्थ और काम, इन तीन पुरुषार्थों के मध्य सम्यक संतुलन बनाकर जीने का उपदेश है। धर्म अर्थ और काम, इन तीन पुरुषार्थों में संतुलन बनाकर के जियो, इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं होनी चाहिए। संतुलन, अर्थ का उपार्जन करोगे धर्म के नियंत्रण के साथ, काम का आश्रय लोगे धर्म के लगाम के साथ। समझ गए? तो ये भूलना मत, अर्थ उपार्जन में भी धर्म अर्थात नैतिकता और प्रामाणिकता, और काम के आश्रय में भी धर्म यानी मर्यादा और सदाचार, ये दोनों चीजें जुड़े रहेगी जीवन उन्नत होगा। इसके साथ धर्म पुरुषार्थ अर्थात धर्माचार विशेष रूप से करना। धर्माचार को निभाने के लिए पहले कुलाचार का पालन करना होगा। कुलाचार के साथ धर्माचार जब अपनाएंगे तो जीवन धन्य हो पाएगा, जीवन आगे बढ़ेगा। परम पूज्य मुनि श्री दोनों महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु, सभी चुल्लक महाराज जी के चरणों में बारंबार इच्छामि। महाराज जी, जब पहाड़ पर वंदना करने जाते हैं तो मित्रधर आदि कूट है, इन कूट का नाम कैसे पड़ा, और एक कूट का नाम भी शाश्वत होता है क्या? देखिए, जितने भी कूटों के नाम हैं ये रूढ़ी नाम, रूढ़ी नाम जो अकारण बन जाए, उसका कोई कारण नहीं है, चला आ रहा है तो चला है। समझ गया? बहन अंजना दीदी उसके बाद तैयारेंगी, बहन किरण दीदी ललितपुर उसके बाद तैयारेंगी, बहन अनिता दीदी बंडा। सर्वप्रथम मैं गुरु के स्थिर ज्ञान को प्रणाम करती हूँ, उनके भीतर गुणात्मक अनंत जो शक्तियाँ हैं उन शक्तियों को मैं प्रणाम करती हूँ। उनके उपयोग की जो आत्म तत्व की उपलब्धि हुई है उस उपलब्धि को भी मैं प्रणाम करती हूँ।
जो प्रत्येक समय आनंद और समता में बहने वाले हैं, ऐसे सच्चे संत त्रय मुनि राजो के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 एलक मुनि चुल्लक मुनि राजो के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। ये भक्तों की जागीर नजर आते हैं, ये संतों की तकदीर नजर आते हैं, जरा डूब कर देखो इनमें, जरा डूब कर देखो इनमें, ये आचार्य विद्यासागर जी की तस्वीर नजर आते हैं। नमोस्तु मुनिराज। मुनिराज मेरी प्रश्न यह है कि माता को भगवती थंका भगवान की माता को जो 16 स्वप्न आते हैं तो 16 स्वप्न ही साकार हो जाते हैं, लेकिन आज की माता के लिए एक स्वप्न देखती है कि बुढ़ापे में मेरा बेटा मेरी रक्षा करे, सेवा करे, सहारा बने, और वो उसका सपना साकार नहीं हो पाता है। तो ये काल का दोष है कि बहुत अच्छा संस्कार की कमी है। नमोस्तु। आपने पूछा है कि तीर्थंकर की माता के 16 सपने आते हैं और उनके सपना साकार हो जाते। आज की माँ एक सपना देखती है पर वो भी साकार नहीं हो पाता। इस प्रश्न का उत्तर मैं दो तरीके से देना चाहूँगा। पहला, तीर्थंकर की माँ के सपने 16 आते हैं और वे सब साकार हो जाते हैं, क्योंकि उनकी माँ 16 गुणों से मंडित होती है। उनका व्यक्तित्व ही कुछ ऐसा होता है, और जो गुणों से मंडित होते हैं उनके सपने 16 आना सच होते। आज की माताएं सपना देखती है और एक ही सपना देखती है, और वो सपना रात का नहीं होता, दिन का होता। तीर्थंकर की माँ का सपना रात का होता है, वो साकार हो जाता है, और आज के लोगों का सपना दिन का होता है, जो व्यक्ति को पूरे दिन जीवन बेकरार बनाता है। संत कहते हैं सपना देखो पर वही देखो जिसमें परावलंबन ना हो, स्वावलंबन के बल पर आगे बढ़ो। आज बेटे अगर माँ बाप के सपनों को तोड़ते हैं, निश्चित ये बेटों का दुख दोष है, और ऐसे नालायक बेटे ये मान करके चले कि जो आज वो अपने माँ बाप के साथ कर रहे हैं उनका उससे भी बुरा हाल होगा। लेकिन मैं बेटों की बात न करके माँ बाप से कहना चाहूँगा, ऐसी नौबत ही ना आने दो कि तुम्हें किसी के ऊपर निर्भर होना पड़े। अपने जीवन को इस तरीके से जियो कि पल मुखापेक्षिता हो ही नहीं। एक बार मुझसे किसी ने सवाल किया कि महाराज जी, पहले इतनी माँ बाप की उपेक्षा नहीं होती थी, क्या पुराने जमाने में भी वृद्धाश्रम होते थे? मैंने कहा नहीं, पहले वृद्धाश्रम नहीं होता, संन्यास आश्रम होता था। माता पिता बूढ़े होने के पहले ही घर परिवार व्यापार कारोबार की बागडोर अपनी संतान को सौंपते थे और खुद सन्यासी बन जाते थे, जगत पूज्य हो जाते थे। और अब 80 वर्ष की उम्र तक चाबी अपने पास पकड़े रहते हैं, पूरा कंट्रोल रखते हैं, तो फिर बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, वो धक्का देके बाहर करते हैं। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, इसलिए कि यहां ज्यादातर बुजुर्ग लोग बैठे हैं, कि चाहते हो कि मेरा अंत अच्छे से हो, दुर्गति से बचना चाहते हो, तो समय रहते अपने आप को मोड़ लो। अन्यथा मैंने बहुतों को देखा है जो शेर की तरह जिए हैं और कुत्तों की तरह मरे। लग जाओ परमार्थ में, कहीं कठिनाई नहीं होगी। ये एक बात। पर उन संतानों को कहूंगा कि जिनने तुम्हें जन्म दिया, जीवन दिया, संस्कार दिया, उनके उपकारों को कभी विस्मृत मत करना। इस धरती के समस्त रजकण और समुद्र के सारे जलकण को भी एकत्रित कर दो तो माँ बाप के उपकारों को चुकाया नहीं जा सकता। हमारे शरीर का एक एक बूंद खून जिनकी कृपा के पुष्का प्रसाद है उसको कभी भुलाना मत, उनके प्रति हमेशा कृतज्ञ रहना।
और चार बातों से माँ बाप का ऋण चुकाया जा सकता है। पहली बात, अपनी सेवा से माता पिता को प्रसन्न रखकर। दूसरा, अपनी उपलब्धियों का श्रेय प्रदान कर। हमेशा अपनी सेवा से माँ बाप को प्रसन्न करो। दूसरा, कुछ भी उपलब्धि हो तो ये माँ बाप का इस आशीर्वाद है। मुझे कुछ भी मिला माता पिता की कृपा से मिला। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो शिखर पर चढ़े हुए हैं, माँ बाप पर लोग सिधर गए तो भी कहते हैं माँ बाप की कृपा से। परम पूज्य गुरुदेव को देखो, आज इतना प्रतापी व्यक्तित्व है लेकिन कोई भी काम होता है कहते ज्ञान सागर महाराज का आशीर्वाद है। ये कृतज्ञता होनी चाहिए। ज्ञान सागर जी महाराज गए लेकिन फिर भी आचार्य महाराज आज अपनी सारी उपलब्धियों का श्रेय किसे देते हैं? अपने गुरु को। इसी तरह वही उत्तम संतान है जो अपने माँ बाप को, अपनी सारी उपलब्धियों का श्रेय अपने माता पिता को देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी माँ के आखिरी सांस तक जो कर्तव्य का पालन किया, कितना बड़ा संदेश, और अपनी माँ को जो मान दिया, कितना बड़ा संदेश। माँ बाप और क्या चाहते हैं? तीसरी बात, अपने आचरण और व्यवहार से उनकी कीर्ति को फैलाकर। तुम्हारा अच्छा काम करोगे तो तुम्हारे साथ तुम्हारे माँ बाप का नाम भी होगा। और चौथी बात कही है, उनके आध्यात्मिक उन्नति में सहायक बनकर। संतान को चाहिए कि अपने माँ बाप की आध्यात्मिक उन्नति में सहायक बने, तब कुछ अंशों में ऋण चुकेगा, अन्यथा उनकी हालत तो बुरी होनी ही है। इसे हमें ध्यान रखना चाहिए। नमोस्तु महाराज। बहन किरण दीदी ललितपुर, उसका तैयारेंगी बहन अनिता दीदी वंडा। त्री महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, सुना है मरी बिना स्वर्ग नहीं मिलता, लेकिन आज जो वर्तमान में हम सुनने में आ रहा है कि नित्य गति करने वाले उसमें प्रवेश हो गया है, क्या यह सच है? आप आगम के पर नित्य गति करने वाले जो ग्रह हैं तो उनमें क्या प्रवेश हो सकता है या नहीं? इस भ्रम को आगम अच्छा, के अच्छा, अच्छा, आगम के परिप्रेक्ष्य में। अच्छा, आप उनका सवाल सीधा सीधा है, चंद्रयान 3 ये जो पहुंचा गया है, ये आगम के हिसाब से सही है या नहीं? हम एक बात बताते हैं, जब चंद्रयान गया था तब भी ये सवाल मेरे पास आया था, तभी मैंने ये कहा था कि हमें हर जगह दिमाग नहीं लगाना चाहिए, दिमाग वहीं लगाना चाहिए जहाँ जरूरत। चंद्रयान में जब सब चीज़ें दिख रही है उसे किसी रूप में स्वीकार करना चाहिए। हमारे आगम में जैसे परमाणु को दो प्रकार से कहा गया, एक यथार्थ परमाणु, एक व्यवहार परमाणु। हमारा जो परमाणु अंतिम अविभागी अंश है, जिसके अंदर कोई विभाग और अंश संभव नहीं, विज्ञान अभी तक नहीं पहुंच पाया। हमारे हिसाब से आज विज्ञान जिस परमाणु तक पहुंचा है वो अनंत परमाणुओं का पुंज है, लेकिन आगम में व्यवहार परमाणु है, हम उनको परमाणु कहते हैं। अनुवर्गना को भी अनु शब्द से बोला गया, ये व्यवहार परमाणु का द्योतक है। इसी तरह एक हमारा चांद जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, और एक चांद जिसको चांद मान रहे हैं, हम व्यवहार चंद्रमा मान ले तो क्या बुराई है? और व्यवहार चंद्रमा में जो चीज़ें वहाँ दिख रही है वहाँ वो नहीं दिख रही है जो हमारे ज्योतिष मंडल में है, तो जो है उसको एक्सेप्ट करो, उसको नकार नहीं सकते। हमें ये मानना चाहिए कि ये कुछ और है, और इसके पीछे मैंने काफ़ी विस्तार से चर्चा की थी, जैन भूगोल और खगोल के विषय में मार्गदर्शन दिया था, अभी उसके अनुकूल समय नहीं है, लेकिन इसको अनेकांतात्मक दृष्टि से अपनाना चाहिए, स्वीकारना चाहिए। उसे सिरे से खारिज करना भी अतार्किक है, और उसे यथावत मान लेना भी आगमानुकूल नहीं है। आगम की बात को आगम के संदर्भ में और वैज्ञानिकों के द्वारा प्रकट सत्य को उस संदर्भ में स्वीकार करने में ही सार्थकता है। बहन अनिता दीदी वंडा, उसके बाद तैयारेंगी बांकुड़ा जिले के हरिवांगा छोलावेद ग्राम की सराग जैन समाज के समस्त सराग बंधु। पूज्य मुनिश्री त्रिमुनि राज जी के चरणों में बारंबार नमन, छुलदा जी के चरणों में भी
बार बार रिक्शा में मुनिश्री वंदना करने गए थे, तो वहाँ पर जो कूटों पर चरण बने हुए हैं तो वहाँ बंदर लोग सब बहुत गंदगी करते हैं, और वो अपने द्रव्य चढ़ाने की वजह से मुझे लगता है कि वो ऐसा करते हैं, तो मन थोड़ा सा ऐसा होता है। बहुत अच्छा, ये सवाल तो रोज उठना चाहिए क्योंकि आप लोगों की आदत नहीं सुधरती। मैंने अनेक बार इस विषय में बताया, आप द्रव्य चढ़ाइए, पर आप जहाँ द्रव्य चढ़ा रहे हैं वो तो अपवित्रता फैला रहे हैं। बंदर वहाँ बैठते हैं, मलमूत्र करते हैं, अशुद्धियाँ होती। पर्वत की पवित्रता को बनाए रखना चाहते हो तो आप वहाँ चरणों में द्रव्य न चढ़ाएं, द्रव्य टोंक से बाहर कहीं और चढ़ा दें, वहाँ चरण की वंदना करें। ऐसी जगह चढ़ाएं जहाँ आने जाने में भी लोगों को दिक्कत ना हो, नहीं तो वहीं बंदरों की टोली आ जाए और फिर लोगों को अटैक करने लगे। थोड़ा सा दूर अलग रास्ते से हटकर वहाँ अपनी द्रव्य सामग्री रख दें, उनका पेट भरे और आप भाव वंदना करके अच्छे से आ सकें। बहुत अपवित्रता हो रही है और इसके जिम्मेदार हम सभी द्रव्य चढ़ाने वाले हैं, इसलिए व्यवस्था होनी चाहिए। बांकुड़ा जिले के हरिवंगा छोलावत ग्राम से आये हुए सराग जैन समाज की समस्त सराग बंधु उसके बाद तैयार रहेंगे। पुरुलिया जिले के धनिया डांगा लायक डांगा ग्राम से आये हुए सराग बंधु। महाराज जी के चरण में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्ले जी के चरण में नमो इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हमारे ये प्रश्न है महाराज जी कि हमें ऐसा कौन सा पुण्य किया है कि हम ये जैन कुल मिला है और आपकी मंगल वाणी श्रवण करने को मिल रही है, और हमें इस जैन धर्म को हम जीवन में कैसे किस तरह से अंगीकार करें और कैसे इसके माध्यम से आगे बढ़े। देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करतल धनी से इन सभी का अभिनंदन कर दें। ये बांकुड़ा जिला के कौन सा गांव है, अपने नाम से बोलो। हरिवंगा। हरिवंगा। यहाँ लगभग 90 परिवार हैं और इनके यहाँ जैन मंदिर भी है और ये लोग अच्छे से धर्म का आराधन कर रहे हैं। सभी के सभी किसान हैं और किसानी से अपना जीवन यापन करते हैं, सादगी की मूर्ति है। आपके हृदय में धर्म के संस्कार हैं और आपने पूछा है हमने ऐसा कौन सा पुण्य किया कि जैन कुल में जन्म लिए और जैन धर्म को हम किस रीति से अपने जीवन में स्थान दें जिससे जीवन में आगे बढ़ा जा सके। निश्चित आप सबका महान पुण्य है और आपने न केवल जैन कुल में जन्म लिया अपितु देखा जाए तो आप उस मूल कुल में जन्म लिए जो मूलतः जैन है। देश में अनेक जातियां हैं पर मैंने इतनी जातियों का इतिहास पढ़ा। जाति भास्कर नाम का एक ग्रंथ है जिसमें सब जातियों का इतिहास दिया, लेकिन ये पहली जाति सामने आई जिसकी पहचान परमात्मा है। इनके गोत तीर्थंकरों के नाम से हैं, तो मैं तो एक कहता हूं तुम्हारी बंगला की भाषा में तुम्ही खाटी जैन आचे, खाटी जैन, शुद्ध जैन। सराग का अर्थ होता है श्रावक और श्रावक का मतलब होता है सच्चा जैन। तो अपने हृदय में ये बात अंकित करो और रोज भावना भाव कि मुझे जैन कुल मिला है, अब जैन धर्म का पालन करना है। मुझे तो ऐसा लगता है किसी जमाने में सराग लोग हमारे समाज के अग्रणी थे। ये बिहार झारखंड बंगाल उड़ीसा इनका मुख्य इलाका। 8वीं शताब्दी तक उड़ीसा का राष्ट्र धर्म जैन धर्म था और उस समय प्रोफेसर नीलकंठ साहू ने उड़ीसा में जैन धर्म अपना शोध ग्रंथ उसमें इसका उल्लेख किया। 8वीं शताब्दी तक उड़ीसा का राष्ट्र धर्म जैन धर्म था। बाद में धर्म विद्वेषियों के द्वारा किए गए संहार से पतन हुआ।
सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध के समय भी बहुत सारे लोग जैन धर्म से विमुख हुए, जो थोड़े से बच गए आज आप लोग हैं। आप लोगों से तो मैं ये कहूँगा, संपर्क सानिध्य और संसर्ग के अभाव में आपकी धर्म विमुखता आपको पीछे ले गई। अब धर्म धारण करोगे तो वापस समाज में वही अग्रणी स्थान प्राप्त करोगे। और मुझे बहुत प्रसन्नता है यह देखकर कि अभी प्रतिदिन जो समूह यहाँ आ रहे हैं, इनमें युवाओं का, बच्चों और बच्चियों का उत्साह मुझे सर्वाधिक दिख रहा है। मैं तुम सभी युवाओं से ये कहना चाहता हूँ, ठान लो कि हम अपनी समाज को वापस समाज में अग्रणी स्थान देंगे, समझ गए? और वो तभी होगा जब दृढ़ता पूर्वक जैन धर्म का पालन करोगे, जैन धर्म का ज्ञान लो, जैन धर्म की आधारभूत बातों को जानो, जो कुल के संस्कार से तुम्हें दया धर्म का पालन करने का अवसर मिल रहा है, इसके साथ तत्त्व ज्ञान प्राप्त कर लोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। ये जैन धर्म है क्या? जैन धर्म संसार में सब धर्मों से अलग है तो उसका आधार क्या, इसको समझो। और इससे हम अपनी आत्मा का कल्याण कैसे करें इसे जानो। सबसे पहले जानो कि मैं एक आत्मा हूँ और मुझे इस संसार सागर से पार उतरना है, जिसके लिए जैन धर्म एक उत्तम जहाज है, मुझे इसमें सवार होना। तो जब ऐसी भावना और धारणा बना के रखोगे तो रास्ता प्रशस्त होगा। उसके बाद तैयार रहेंगे रांची जिले की पांगुरा गांव की शराग जैन समाज के समस्त शराग बंधु। नमस्ते महाराज जी। नमस्तु महाराज जी। मेरा मन में बहुत दिन से एक प्रश्न है, जो आज अवसर मिला इसे जानने के लिए। हम लोग अपना नाम लिखने के बाद लिखते हैं आदिदेव, ये जो गोत्र हम लोग को कहाँ से मिला है? मेरा दूसरा प्रश्न, हम जब कोई डिसीजन लेने जाते हैं तो विचलित हो जाते हैं, क्या करें क्या नहीं करें, इस दुविधा में पड़ने पर हमें किस तरह से अपना विचार लेना चाहिए? बहुत अच्छा। देखिए आपके दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, हमारे गोत्र में जो नाम मिला, जैसे आप सबको जानकारी होनी चाहिए, इनके गोत्र आदिदेव, धर्मदेव, शांतिदेव, ऋषभदेव आदि आदि 24 तीर्थंकरों के नाम पर ही इनके सारे गोत्र हैं और इनके सारे संस्कार जैन धर्म से संबद्ध है। आपने पूछा ये नाम हमको कैसे मिला। मुझे लगता है जब तीर्थंकरों का यहाँ विचरण होता होगा तो आप लोग ही तीर्थंकरों की सेवा करते होंगे, आप ही तीर्थंकरों की शरण में रहते होंगे और आपने अपने आप को तीर्थंकरों का अनुगामी बनाकर ये तय कर लिया होगा कि अब हमारी पहचान अमुक तीर्थंकर से होंगे और वही हमारा गोत्र है। गोत्र का मतलब ही है जिससे व्यक्ति को पहचाना जाए। गुयते इति गोत्रम, जिससे व्यक्ति की पहचान हो जाए उसका नाम गोत्र है। तो तुम लोग भाग्यशाली हो कि तुम्हारी पहचान तीर्थंकर परमात्मा से है, इसलिए उनकी शरण को कभी भूलना मत। उनकी शरण में रहोगे तो जीवन आगे बढ़ेगा। जो आपका सवाल है, जब मन दुविधाग्रस्त हो जाए तो हम क्या करें? तो जब भी मन में ऐसी दुविधा उत्पन्न हो तो आंख बंद करो, 9 बार नमोकार मंत्र जपो, परमात्मा को याद करो और जो आए मन में सो कर लो, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। और आत्मविश्वास इतना मजबूत रखो कि कदाचित गलत निर्णय भी हो जाए तो अपनी कुशलता से उसे सही साबित कर सको। रांची जिले के पांगुरा ग्राम के शराग जैन समाज के समस्त शराग बंधु उसके बाद तैयार होंगे श्रीमान कपूर चंद जी कोटा। आज हम लोग रांची जिला के पांगुरा गांव से आए हुए जितने भी श्रावक श्राविका की तरफ से मुनिवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 महाराज जी। पहला क्वेश्चन मेरा युवा ग्रुप की तरफ से है महाराज जी। हम जैसे युवा ग्रुप, बहुत सारे युवा ऐसा हैं जो चमड़े की बनी हुई वस्तु का उपयोग करते हैं, और अगर मान लेते हैं किसी को बोला जाए कि नहीं चमड़े की वस्तु हम सराख नहीं यूज करना चाहिए, हमें नहीं यूज करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे युवाओं का ये कहना होता है हम इस चमड़े के वस्तु को सिर्फ यूज कर रहे हैं, इससे हमें क्यों पाप लगेगा?
जैसे कि मैं जानता हूँ कृत कारित और अनुमोदित तीन तरह से पाप लगते हैं, तो उसमें हमें किस तरह का पाप लगेगा और कृत कारित अनुमोदित में कैसा कैसा पाप लगता है? अगर कोई कृत करता है तो उससे कितना पाप लगेगा, कोई कारित करता है और कोई अनुमोदित करता है तो उससे किस प्रकार के पाप लगेंगे? और मुझे जहाँ तक जानकारी है महाराज जी कि किसी भी पाप, कोई भी पाप कम नहीं होता है, और हमारे युवा ग्रुप शायद इस चीज़ से अनभिज्ञ हैं, क्योंकि हमारे युवा ग्रुप को ये बोला जाता है, मैक्सिमम समाज का आजकल यही भावना है कि प्रथम चरण में हम विद्या अर्जन करेंगे, द्वितीय चरण में हम अपना धन अर्जन करेंगे और तीसरे चरण यानी जब बुढ़ापा आए तब हम अपना धर्म अर्जन करेंगे। मुझे लगता है इसमें कुछ मिथ्यात छुपा हुआ है, तो कृपया इसके लिए हमें मार्गदर्शन करें। बहुत अच्छा सवाल आपका। देखिए, चर्म निर्मित वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि चर्म का उत्पादन पशुओं के मरने के बाद या मारने के बाद किया जाता है। मारना तो हिंसा है ही, कदाचित प्रकृति से मरे हुए प्राणियों की भी आप चर्म का प्रयोग करें तो उस चर्म में भी अनेक जीव होते हैं। हमारे शास्त्रों में चर्म का इतना अशुद्ध माना गया कि यदि भोजन करते समय किसी को सूखा चमड़ा छूने में आ जाए और गीला चमड़ा दिख जाए तो अंतराय। आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि चमड़ा कितना अशुद्ध है। तो न केवल चर्म अपितु कोई भी आप उपयोग नहीं करेंगे तो हिंसा कैसे होगी? अगर कोई इस तरह की सामग्री का उपयोग कर रहा है तो कहीं न कहीं उस हिंसा का वो हिंसा को बढ़ावा दे रहा है, और हिंसा को बढ़ावा देने से वो हिंसा का भागीदार बन रहा है। इसलिए हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, और आज के समय में तो सबके बेहतर विकल्प हैं। आज अच्छे अच्छे सिंथेटिक चीज़ों की चीज़ें उपलब्ध हैं, हमें उन सब का प्रयोग करना चाहिए। इस तरह की चीज़ों के प्रयोग से अपने आप को पूरी तरह दूर रखना चाहिए। इनके लिए संकल्पित हो जाएं, और संकल्पित हो जाएंगे तो छूटेगा। ये व्यक्ति को, हर व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि मेरे अच्छे बुरे कर्म का फल तो मुझे ही भोगना पड़ेगा, और मैं जिस कुल में हूँ, मुझे जहाँ हिंसा से पूरी तरह परहेज रखने की सीख मिली है, तो ये हिंसा का अंग मुझे कहीं भी अपनाना नहीं चाहिए, क्योंकि सूक्ष्म पाप हो या स्थूल पाप तो पाप है। हम कृत करें, कारित करें, अनुमोदना करें, ये तीनों में पाप है। कोई सोचता हम कर नहीं रहे, करा रहे हैं, तो कराने में भी पाप है, अनुमोदना करने में भी पाप है, और कई जगह तो ऐसा देखने में मिलता है कृत कारित से ज़्यादा पाप अनुमोदना में होता है। हमारे शास्त्रों में एक तंदुल मच्छ की कथा आती है। समुद्र में रहने वाले बड़े मत्स्य मगरमच्छ के कान में एक छोटा सा मत्स्य होता है चावल जैसा, और वो जो मत्स्य होता है वो सोता है बड़ा मत्स्य, तो उसका मुंह खुला रहता है, और खुले मुंह रहने के कारण छोटी छोटी मछलियाँ उसके मुंह में आती जाती रहती है, और ये बेखबर सोता रहता है। तो उसके कान में रहने वाले मत्स्य के मन में आता है कि ये कैसा बेवकूफ है, एक भी मछलियाँ इतनी आ रही जा रही है, चुपचाप सो रहा है, इसकी जगह मैं होता तो एक को भी जिंदा नहीं छोड़ता। उतनी मात्र से वो सातवें नरक पहुंच जाता है, सातवें नरक पहुंच जाता है। तो हम अगर किसी पाप के कार्य में अपनी सहभागिता देते हैं तो हम उस पाप के भागीदार बनते हैं। इससे हमें बिल्कुल भी इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। दूसरा सवाल क्या किया था महाराज जी? कृत कारित अनुमोदना तीनों में कितना कितना पाप लगता है? अगर मान लेते हैं 100% पाप लगता है हमें किसी पाप को करने में, तो उसमें कृत में कितना लगेगा, कारित में कितना लगेगा, और अनुमोदना में कितना लगेगा? कारित अनुमोदना के साथ जुड़ी हुई परिस्थितियों पर सब कुछ निर्भर करता है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को कृत करे और उसको उतना पाप न लगे, किसी परिस्थिति से विवश होकर कर रहा है। कोई किसी से कराए उसको उतना पाप न लगे, लेकिन वो केवल अनुमोदना कर रहा है, पाप का भागी बन रहा है। कई बार व्यक्ति है
जो खुद कर रहा है तो उसमें उसका कार्य तनुमोदन है, सब कुछ है। ये तीनों बातें उसके अपने भावों के ऊपर निर्भर करता है, करती हैं कि वो किस भाव से उसका काम कर रहा है। लेकिन हमेशा ये बात ध्यान रखना चाहिए, पाप को जिस स्तर पर रोका जा सके वहीं रोकने का प्रयत्न करना चाहिए ताकि कर्म के बंधन से बचा जा सके। हाँ हाँ, दूसरा सवाल वही, वो ध्यान से, हम धर्म कब करें, जवानी में करें या बुढ़ापा में करें? आजकल के युवा यही बोलते हैं। नहीं महाराज, ये समाज का है, समाज के बुजुर्ग ग्रुप मैक्सिमम पेरेंट्स जो होते हैं आजकल के, वो बोलते हैं बच्चे अभी तुम्हारे धर्म करने की समय नहीं, अभी पढ़ाई करने का समय, अभी पढ़ाई करो। फिर जैसे थोड़ा सा हमारे जैसे कमाऊ हो जाते हैं तो घर का इतना बोझ हो जाता है कि घर वाले बोलते हैं अभी धर्म कर्म में समय मत दो, अभी कमाना है कमाओ, बुढ़ापा है पूरा धर्म कमाने के लिए। उनसे मैं ये बोलता हूं, जो लोग ये कहते हैं कि बुढ़ापा आएगा तो धर्म करेंगे, उन्हें समझना चाहिए कि बुढ़ापा आएगा ये कहां पक्का है, इस बात का कोई ठिकाना है क्या? कोई भरोसा नहीं। जब जागो तभी सवेरा, जिस समय करने योग्य कार्य है उस समय कर लेना चाहिए। कब किसके जीवन में कौन सी घटना घट जाए कहा नहीं जा सकता। आज ही सुबह होने के पहले ही एक बड़ी दुखद घटना हमारे सामने आई। गुणायतन का एक बहुत ही सक्रिय, शायद कपूर चंद जी उसी के लिए खड़े होंगे, आप अपनी बात बोल दो फिर मैं बोलता हूँ। बोलिए। युगल मुनि राजा के चरणों में मेरा बरोबर परिवार का 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, मंचा से सभी सुलभ जी महाराज को इच्छा में इच्छा में। गुरुदेव, आज सुबह हम इसलिए आपके पास हाजिर हुआ हूँ चरणों में, आज सुबह हमारे पास सूचना आई, हमारे कर्मठ कार्यकर्ता गुणायतन ट्रस्टी गुणायतन के लिए समर्पित मनोज कन्नौज, उनका आज सुबह हृदय गति रुकने से स्वर्गवास हो गया है। इस दुख की घड़ी सहन करने के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें, और आपसे आशीर्वाद चाहिए कि वो सहन उनका परिवार सहन शक्ति करे, और संबोधन चाहिए उस परिवार। देखिए, जो बात अभी कही गई, मनोज बहुत समर्पित कर्मठ लगनसार लगनशील और धार्मिक व्यक्ति था। वो पिछले 21 वर्षों से मुझसे जुड़ा और हर कार्यों में बहुत ही तत्परता के साथ जुटने वाला, तन मन धन से जुटकर काम करता था। उसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। अभी आगामी जो विधान है, 2 सिद्ध चक्र उसने अपने गांव में किए बहुत भव्यता के साथ। इस बार 108 मंडली विधान था तो उसने तय किया कि मैं सब लोगों को यहाँ लेकर आऊँगा और यहाँ भव्यता से विधान करूँगा। 60 लोगों को लेकर के विधान यहाँ कर रहा था, उसके 6 मंडल यहाँ पर सुरक्षित थे और 8 रोज पहले ही सबकी व्यवस्था देखने के लिए यहाँ आया। पर ऐसा व्यक्ति अचानक यहाँ से चला गया, एक पल भी नहीं लगा। ये बहुत ही दुखद घटना है और इस घड़ी में मैं तो ये कहूँगा उस पूरे परिवार को कि ऐसी घटना, यद्यपि एक वज्रपात हुआ है, वज्रपात ही हुआ है, लेकिन ये किसी के हाथ में नहीं है। काल बलि के आगे किसी की नहीं चलती। कब किसके साथ कौन सी घटना घट जाए, जीवन की कहानी कब किस मोड़ पर ख़त्म हो जाए पता नहीं। ये तो ऐसा है जैसे स्विच ऑफ हो और लाइट बंद हो, कब तुम्हारी बत्ती गुल हो जाए कहा नहीं जा सकता। इस सत्य को समझना चाहिए और जीवन में इस बात को समझना चाहिए कि जब तक मेरा जीवन है मैं अच्छा कर लूं। अभी जो सवाल किया गया कि बुढ़ापे में करना, अब बुढ़ापा कौन देख पाएगा इसके बारे में कोई नहीं कहा जा सकता। कब बुढ़ापा आ जाए और कब कहानी ख़त्म हो जाए कहा नहीं जा सकता। जीवन में कब किसके साथ कौन सी घटना घट जाए कह नहीं सकते। मैं इस घड़ी में पूरे के पूरे मनोज के परिवार को आशीर्वाद देता हूँ कि धैर्य रखे, विपत्ति में धैर्य ही हमारे लिए एक सबसे बड़ा आलम्बन है।
अब जो चला गया वो लौट कर नहीं आएगा, पर उनके आदर्श ही हमारे काम में आते हैं। दुख की इस घड़ी में हम लोगों का आशीर्वाद और संबल है। एक बेटा उसका पेरिस में पढ़ रहा था, एक बेटा घर पर था, छोटा है परिवार, बहुत छोटा, उसकी धर्मपत्नी अमिता पर भी बहुत बड़ा एक प्रकार का कि विपत्ति तो है ही, लेकिन अब इसको स्वीकार करने के अलावा हमारे पास कोई उपाय नहीं। हमने तो बचपन से ही पढ़ा और सुना है, राजा राणा छत्रपति हातिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। इस सत्य को स्वीकार करना है और अपने जीवन को आगे बढ़ना है। मैं तो ये मानता हूँ, मनोज अल्प आयुष्क भले हुआ, बीच में जरूर गया, लेकिन जहाँ भी गया हो वो अच्छी जगह गया होगा। थोड़ा जीवन पा कर के भी उसने बड़ा काम किया है और एक अपनी पहचान बनाई, पूरे गुणायतन परिवार में एक चहेता युवक, हर कार्य में आगे आकर के काम करने वाला, और यही मनुष्य के जीवन की एक उपलब्धि होती है। ऐसी उपलब्धि बना करके सबको चलना चाहिए। और परिवार के लिए मैं पुनः आशीर्वाद देता हूँ कि अत्यंत धैर्य संयम और समझदारी के साथ काम करे, ताकि इस विपत्ति का सामना किया जा सके। ओम शांति। गुरुदेव बिहार में, गुरुओं के बिहार में वो कलते से कंधा मिलाकर चलते थे। हाँ बिल्कुल, हमारे पूरे बिहार, उसने जब भी बिहार का समय आता तो पूरे बिहार में शामिल होते, और अभी जब समेत शिखर की यात्रा हुई तो पूरा बिहार उसने ही पूरा उसकी बागडोर संभाली थी। जितना कहा जाए उतना कम है। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के। जय जय जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे बाहुबली एंड मुत्ती होलसेल्स सारीज एंड क्लोथ मर्चेंट्स चदचंद डिस्ट्रिक्ट विजयपुर एवं समस्त बाहुबली एंड मुत्तीन परिवार। महावीरा जीरोन पौधों को दे सूक्ष्म तत्वों का पोषण, उनमें डाले नई जान। महावीरा जीरोन। राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्वविख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में 100% गारंटी से निवारण। फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336973720219। ब्रांच हैदराबाद एवं मुंबई। www.rajguruastrologer.com